फिर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का 553वां प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे और गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेक लंगर का लाभ लिया। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मंगलवार को सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में दुर्ग की गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से नगर कीर्तन यात्रा के बाद बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर दुर्ग साहिब के प्रधान सेवादार अरविंदर सिंह खुराना ने बताया, हर साल की तरह इस साल भी समूह सिख संगत दुर्ग द्वारा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग में बड़ी संख्या में आस्था के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक आशीर्वाद लिया और साथ ही खुशी में अपने परिवार के साथ लंगर का प्रसाद लिया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत एवं भिलाई के सभी गुरुद्वारा साहिब के पदाधिकारियों ने गुरु महाराज के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गुरु के सभी पदाधिकारियों की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को प्रथम श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के 553वें प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग में हम पूरी सिख समाज पूरे दुर्ग की सिख संगत मिल के यहाँ पे प्रकाश पर्व मना रही है, जो कि सवेरे 8 बजे से आरंभ है और रात को 12 बजे तक चलता रहेगा। यहाँ पे दिन में समूह संगतों के लिए यहाँ पे बाहर से भी कीर्तन जत्था है जो दिन भर में कीर्तन करेंगे। ग्रेनी सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।